चलो बच्चा देखो तो, ए देखो अब हम लोग को पढ़ना है लॉगरिथमिक लिमिट एक्सपोनेंशियल लिमिट, ठीक है। तो चलो यहाँ से लॉगरिथमिक लिमिट के बारे में जानते हैं। कुछ एक्सपेंशन होता है, जैसे एक्सपेंशन जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉगरिथमिक सीरीज होता है, ठीक है। इसका मतलब लॉगरिथमिक सीरीज पढ़ना होता है, अलग एक चैप्टर है, एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है। उसी सीरीज में से आता है लॉग वन प्लस एक्स, साइन एक्स का भी एक सीरीज होता है, साइंस का एक सीरीज होता है साइन एक्स का, वो ऐसे ही सेम टू सेम, मतलब यही नहीं लेकिन एक्स के फॉर्म में सीरीज होता है, कॉस एक्स का भी सीरीज होता है, तो वैसे ही लॉग वन प्लस एक्स का एक सीरीज है ये, ठीक है। इतना लॉग वन प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस, ठीक है, एक्स का पावर फोर बाई फोर फिर प्लस एक्स का पावर फाइव बाई फाइव आप प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इसमें पहला लॉगरिथमिक लिमिट में पहला फॉर्मूला क्या आता है बच्चा लोग, देखो लॉगरिथमिक लिमिट में पहला फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। यहां से देखो यहां फॉर्मूला कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू कितना होता है वन होता है, इसका वैल्यू कितना होता है बच्चा लोग वन। इसमें ये फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है वन होता है। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। ए बच्चा देखो ध्यान से इसको प्रूव करेंगे, तो फ्रॉम एल एच एस ए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है तो लिख दो, इसमें कितना है लॉग वन प्लस एक्स नहीं है क्या, अब बाई कितना है एक्स। तो चलो बच्चा लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज लॉगरिथमिक सीरीज रखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स का वैल्यू रख दो, तो लॉग वन प्लस एक्स का वैल्यू कितना है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस डॉट 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 टू कहां तक, इनफाइनाइट, समझ में आ रहा है। चलो ये वाला वैल्यू, अब बाई नीचे कितना है x, तो x लिख दिए ना जी। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, देखो एक्स क्यू भाई यहां पर नीचे कितना है थ्री माइनस डॉट 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 कहां तक था टू इनफाइनाइट, और नीचे कितना है बच्चा लोग x, तो x लिख दो। अब कॉमन ले लो ऊपर से x, कट नहीं जाएगा, एगो एक्स कटेगा नीचे वाला, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिख दो और यहां पर लिख दो क्या बच्चा देखो ऊपर से एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा वन माइनस एक्स बाई टू और प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री डॉट 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 कहां तक इनफाइनाइट तक, और नीचे कितना है एक्स, तो इस एक्स से इस एक्स को कैंसिल कर दो और एक्स के जगह पर जीरो पुट कर दो, तो देखो कैंसिल कर दिए तो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो आ कितना है वन माइनस एक्स बाई टू और प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री डॉट 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 कहाँ तक, अब एक्स के यहाँ पर जीरो पुट कर लो तो वन माइनस आ जीरो बाई टू जीरो प्लस जीरो का क्यूब बाई थ्री जीरो डॉट 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 सब जीरो नहीं हो जाएगा, तो इसका वैल्यू वन इक्वल टू आर एच एस कितना गया आर एच एस। तो ये होता है लॉगरिथमिक लिमिट, ठीक है, ये लॉगरिथमिक लिमिट। अब बात करते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल लिमिट का, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन इस पर बताते हैं लॉगरिथमिक लिमिट पर। तो देखो बच्चा पहला क्वेश्चन अगर देखें इस पर, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ए देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर पूछा जाए लॉग वन प्लस थ्री एक्स बाई एक्स का वैल्यू पूछा जाए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस थ्री एक्स बाई एक्स का वैल्यू पूछा जाए, तो हम लोग देख रहे हैं इसका वैल्यू अगर निकालना है, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है कि नहीं है, तो यहाँ थ्री एक्स है तो नीचे थ्री एक्स होना चाहिए ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस थ्री एक्स, वन प्लस थ्री एक्स, अब बाई नीचे कितना हो जाएगा देखो यहाँ एक्स है तो यहाँ पर थ्री एक्स, बोलो थ्री से डिवाइड थ्री से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या हो बताओ, तो इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू वन, तो वन इंटू थ्री यानी कितना हो गया थ्री, कोई दिक्कत आया समझ में, एक वो क्वेश्चन। हाँ इसी फॉर्मूला से सब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, देखो और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया ये, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं इस पर लॉगरिथमिक लिमिट पर दूसरा क्वेश्चन। तो लॉगरिथमिक लिमिट पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं लिमिट, अरे बच्चा देखो एक्स टेंस टू जीरो अगर लिख दिया हम लॉग वन माइनस एक्स अब बाई एक्स, इसको सॉल्व करना चाहते हैं, देखो
लग वन माइनस एक्स बाई एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा लोग, देखो इसको सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं एक्चुअली इसको देखो। तो बताओ ए बच्चा लोग कितना आंसर, माइनस वन, बिल्कुल लिमिट एक्स टू जीरो लॉग वन माइनस एक्स है तो लॉग वन माइनस एक्स लिख दो, लॉग वन माइनस एक्स। अब देखो एक्स का कोफिशियंट कितना है, माइनस वन, तो माइनस वन से डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ एक्स है, मतलब कहने का मतलब यहाँ माइनस एक्स है तो नीचे माइनस एक्स होना चाहिए, तो यहाँ माइनस वन कर देते हैं, ठीक है। अब माइनस वन से मल्टीप्लाई, तो इसका वैल्यू कितना, वन होगा कि नहीं होगा। हम बोले थे कि यहाँ एक्स प्लस एक्स है तो प्लस एक्स होना चाहिए, ऊपर माइनस एक्स है तो नीचे माइनस एक्स होना चाहिए, तो इसका वैल्यू हो गया वन इंटू माइनस वन, यानी आंसर कितना गया, माइनस वन। ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री का बात करते हैं। अगर यहां पर लिख दे लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है, और यहां पर log a log x टू द बेस e, तो इसका वैल्यू कितना, या बेस e है तो हम e डायरेक्ट पुट कर देंगे, इसमें नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि e पुट कर दोगे तो यहां पर log e टू द बेस क्या हो जाएगा, e, तो इसका वैल्यू कितना, वन। सेम सेम होता है तो वहां वैल्यू कितना हो जाता है, log log e टू द बेस e का वैल्यू कितना, वन। अच्छा उसके बाद देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर फोर नंबर, जैसे फोर नंबर क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, लिमिट एक्स टेंस टू यहां पर सपोज करो जीरो, यहां लिख दिए लॉग वन प्लस एक्स टू द बेस ए, अब देखो अब बाई एक्स हो, इसका वैल्यू कितना होगा, कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, बेस में ए है, कोई भी फॉर्मूला बनाया गया रहता है ना कैलकुलस का, तो बेस में क्या होता है, ई, ठीक है। मतलब जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े लॉग वन प्लस एक्स वाला जो फॉर्मूला पढ़े हैं, वो फॉर्मूला किस पर है, यहाँ जो फॉर्मूला है ये ओनली अप्लीकेबल फॉर बेस में ई, समझ रहे बात, बेस में ई के लिए वो होता है, लेकिन अब बेस में क्या है, ए है, तो जब बेस में ए है तो क्या करेंगे बच्चा लोग, बेस में से ए को हटाएंगे, बेस में क्या लाएंगे, ई लाएंगे, तो बेस में ए है तो उसको बेस में ई ला के तब बनाना पड़ेगा, तब कैसे लाएंगे बताओ, बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल, यानी मेरे कहने का मतलब इसमें बेस चेंज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है बोलो, बेस चेंज फॉर्मूला इसमें लगा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चा लोग, देखो इसको हम लोग सॉल्व किया जाए, अरे सॉल्व कर देते हैं, हम देख रहे थे, देखो क्वेश्चन और देख रहे थे, इसमें इस क्वेश्चन में, हाँ तो देखो बेस में ए है, यहाँ पर जीरो है, ये जीरो है, लेकिन बेस में क्या दिया है जी, ए दिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करता है, तो बेस में ई लाते हैं, बेस में क्या लाएंगे, ई, ए, तो देखो कैसे लाते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो का एक्स टेंस टू जीरो लिख दो, लिखेंगे यहां लिखेंगे log 1 प्लस एक्स टू द बेस ई, अब बाई log a टू द बेस ई, ऊपर वाला में बेस चेंज फॉर्मूला लगा दिए, देखो ए log 1 प्लस एक्स टू द बेस ए है, हमको बेस में ई लाना है, तो क्या करेंगे बेस में ई लाना है, तो log 1 प्लस एक्स टू द बेस ई बाई log a टू द बेस ई हो गया, इंटू कितना है, 1 बाई एक्स हो गया, है ना जी नीचे एक्स, तो हाई तो कॉन्स्टेंट हो गया, इसको बाहर रखो, तो वन बाई लॉग ए टू द बेस ई को तुम बाहर रखो, रख दिए कोनो दिक्कत। अब क्या करेंगे, यहां लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर हो गया लॉग वन प्लस एक्स, नीचे कितना एक्स, तो इसका वैल्यू कितना, वन, वन ना हो जाएगा रे, तो वन बाई लॉग, वन बाई लॉग ए टू द बेस ई ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, लॉग ई टू द बेस ए हो जाएगा, ए हाई वन बाई लॉग ए टू द बेस ई है, इसको ऊपर ले जाएगा तो लॉग ई टू द बेस ए हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना, वन, तो आंसर आ गया लॉग ई टू द बेस ए, इसका आंसर कितना गया बच्चा लोग, लॉग ई टू द बेस ए, कोई दिक्कत है बोलो, अरे लॉगरिथमिक लिमिट समझ में आया, ये सिंपल है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। अब एक्सपोनेंशियल लिमिट वाला भी हम लोग करेंगे क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जी देखो
देखो बच्चा इतना हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल लिमिट हम लोग पढ़े, क्या पढ़ना है हम लोग को, एक्सपोनेंशियल लिमिट। टॉप क्वेश्चन किया जाएगा मतलब सबका मिला के, लॉग का ये सबका मिला के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो ए बच्चा देखो, एक्सपोनेंशियल लिमिट, देखो एक्सपोनेंशियल लिमिट ऐसे ही लिखते लोग लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल लिमिट, ठीक है। देखो देखो बच्चा लोग, एक्सपोनेंशियल लिमिट में एक्चुअली क्या होता है हम इसको हम बता रहे हैं यहां पर, एक्सपोनेंशियल लिमिट हम लोग को अब देखना है। तो देखो एक्सपोनेंशियल लिमिट में इसमें e टू दी पावर x होता है, लॉग में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं e टू दी पावर x, इसका वैल्यू होता है 1 प्लस x। देखो जैसे एक्सपोनेंशियल लिमिट का भी एक सीरीज एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है और लॉगरिथमिक सीरीज होता है, तो लोग जैसे लॉगरिथमिक सीरीज बता दिया ना जी, वैसे ही एक्सपोनेंशियल सीरीज भी होता है। तो 1 प्लस x प्लस x² / 2 फैक्टोरियल अब प्लस x³/3 फैक्टोरियल अब प्लस डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है, ठीक है। अब इसमें देखो फॉर्मूला मेन क्या आता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज में मेन फॉर्मूला क्या आता है उसको देखा जाए, तो देखो फॉर्मूला आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो e टू दी पावर x माइनस 1/x, इसका वैल्यू होता है 1। ये है एक्सपोनेंशियल सीरीज का, एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला। चलो इसको अब हम लोग प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करेंगे तो इसको LHS से बनाएंगे, LHS से बनाओ, नहीं बात मत करो, LHS से बनाओ। तो LHS कितना है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो e टू दी पावर x माइनस 1/x, तो यहां लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो e टू दी पावर x का वैल्यू रख दो, e टू दी पावर x का, तो e टू दी पावर x का कितना है 1 प्लस x प्लस x² / 2 फैक्टोरियल है ना जी, अब प्लस x³/3 फैक्टोरियल हो गया, अब प्लस डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट, अब माइनस वन है तो माइनस वन, अब नीचे कितना x हो गया, वैल्यू पुट कर दिए एक्सपोनेंशियल लिमिट e का पावर x, तो ये प्लस वन है माइनस वन कट गया। अब देखो अब यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो और ऊपर से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेंगे तो 1 अब प्लस x/2 फैक्टोरियल अब प्लस x² / 3 फैक्टोरियल अब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, और नीचे कितना है x, तो x से x कट गया। अब x के जहां पर 0 पुट कर दो, अब x के जहां पर क्या पुट कर देंगे जी 0, तो आंसर हो जाएगा 1 प्लस 0/2 0, यहाँ पर 0² / 3 फैक्टोरियल 0, सब 0 नहीं हो जाएगा क्या, तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू RHS, ठीक है। चलो इस पर पहला क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है बच्चा, देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू जीरो e टू दी पावर अगर रहे e टू दी पावर 2x माइनस 1/x रहे, इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग फॉर्मूला में देखे है ना कि यहाँ x है तो यहाँ x है, तब जाकर वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो देखो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो e टू दी पावर 2x माइनस 1/x है, तो लिखेंगे e टू दी पावर 2x माइनस 1 अब बाई, देखो ऊपर 2x है तो नीचे 2x होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो इसका वैल्यू कितना 1 इंटू 2, यानी कितना गया 2। अब देखो अब हम लोग बाय यूजिंग LHS रूल से भी बना सकते हैं इसको, ले पहले फोन रखो, तो सबसे रखो जल्दी LHS रूल से बनाएंगे इसको, ठीक है। देखो लॉग को भी LHS रूल से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, चलो हम उसको भी LHS रूल से हम बता देते हैं अभी, LHS रूल से कैसे बनाएंगे। तो देखो लॉगरिथमिक लिमिट वाला हम लोग पढ़े हैं ना, अभी फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग कि लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो था, है ना जी, और लॉग कितना था, वन प्लस एक्स बाई एक्स। अगर एल हॉस्पिटल रूल से बनाया जाए तो एल हॉस्पिटल रूल कब लगता है, जब जीरो बाई जीरो फॉर्म में रहे चाहे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में रहे। तो जब ये जीरो पुट करोगे तो लॉग वन प्लस जीरो लॉग वन, और लॉग वन का वैल्यू कितना होता है जीरो, लॉग वन का वैल्यू कितना होता है जी जीरो, यहाँ जीरो था, जीरो बाई जीरो है कि नहीं, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, ये क्या है जी जीरो बाई जीरो फॉर्म। तो देयरफॉर अप्लाइंग एल एच रूल, तो एल एच रूल लगाओगे तो एल एच रूल कैसे लगाते हैं बच्चे लोग पता है ना आप लोगों, एल एच रूल लगाओगे तो हम क्या लिखते हैं बोलो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिख दो, अप्लाइंग एल एच रूल तो ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करो, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वन प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके बताओ, वन प्लस एक्स इन टू डी वन प्लस एक्स बाई डी एक्स, और नीचे एक्स का डिफरेंशिएशन यानी डी एक्स बाई डी एक्स। अब बताओ यहां पर हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लॉग वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है जी वन बाई वन प्लस एक्स, यहाँ वन कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएशन जीरो, डीएक्स बाई डी एक्स वन, अब बाई डी एक्स बाई डी एक्स वन, बोलो सब। तो यहाँ आ गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या बच गया वन बाई वन प्लस एक्स से बच गया, अब एक्स के यहाँ पर जीरो पुट कर दो तो वन बाई वन प्लस जीरो, तो वन बाई वन कितना आ जाएगा वन, यानी इसे भी तो बन गया कि उसका वैल्यू वन होगा। तो एल हॉस्पिटल रूल से भी हम लोग बना सकते हैं, अच्छा इसी को एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग बना लिए। देखो बच्चा देखो, अगर वही अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला प्रूफ करें, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू वन हम बताए हैं, लेकिन क्या एल हॉस्पिटल रूल से इसको बना सकते हैं, बोलो बना सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल से, बना सकते हैं, बिकॉज ये जीरो रखोगे तो ई टू द पावर जीरो वन, तो वन माइनस वन जीरो, अब नीचे भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो हम लोग इसको बनाएंगे तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स जो है ना, अब देखो जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर और नीचे दोनों डिफ्रेंशिएट करो, तो ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, और वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, अब जीरो पुट कर दो, हो गया थ्री टू दी पावर जीरो, यानी कितना वन नहीं आ गया क्या। तो एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग बना सकते हैं। चलो अब इस पर क्वेश्चन करते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट पर, ठीक है, जैसे बताओ तुम लोग आंसर, इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे हाँ देखो अब चलो क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, बताओ ई टू द पावर थ्री एक्स माइनस वन बाई एक्स, इसका वैल्यू बताओ कितना जाएगा, ऑप्शन में दिया थ्री नाइन थ्री नहीं हो जाएगा, और तो इसमें थ्री से डिवाइड थ्री से मल्टीप्लाई करने के लिए ना बोले हैं, तो वही है। तो देखो यहां लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर थ्री एक्स माइनस वन बाई थ्री, थ्री से डिवाइड थ्री से मल्टीप्लाई, तो इसका वैल्यू कितना वन, तो वन इंटू थ्री थ्री नहीं हो गया क्या, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो देखो ध्यान से समझना, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो किसी को बनाने के लिए, ऐसा थोड़े ना है, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन आ गया है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा तुम जब भी जीरो बाई जीरो फॉर्म हो तो एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, अब एक्सपोनेंशियल लिमिट पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और हैं, अब आपका जो आसान लग जाए वो लीजिए ना, आप पर डिपेंड करता है। ये तो मैं क्या है, तो देखने में थ्री आंसर, हाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाइएगा, एल हॉस्पिटल रूल जीरो बाई जीरो फॉर्म में होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर टू, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक क्वेश्चन है, देखो लिमिट एक्स टेंस टू टू है, लिमिट एक्स टेंस टू टू यहां लिखा है, ठीक है, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर टू,
देखो e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर 2 बाई x माइनस 2, सबसे पहले इसमें तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, सेकेंडों में बन जाएगा नो डाउट। लेकिन अगर बाई प्रोसेस बनाया जाए, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, एकदम आसानी से बन जाएगा। वही लगावा एल हॉस्पिटल रूल, आसान हो जाएगा। ठीक है चलो, ए देखो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। क्यों एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, देखो ध्यान समझना। एल हॉस्पिटल रूल, ये टू पुट करोगे ना तो ई टू दी पावर टू आ माइनस ई टू दी पावर टू जीरो, यहाँ टू माइनस टू जीरो नहीं हो रहा क्या, ए तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, यानी अप्लाइंग एल एच रूल, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू टू आई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स, आई टू दी पावर टू कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स का डिफरेंशिएशन वन और टू का डिफरेंशिएशन जीरो, अब पुट कर दो ई टू दी पावर टू आंसर। अरे लो लो साहब, हेलो e टू दी पावर x बाई वन, अब x के यहाँ पर टू पुट कर दो, e टू दी पावर कितना आ गया आंसर, टू आ गया। कोई दिक्कत, अरे क्लियर हो गया ना जी, नहीं आया समझ में, आ गया कोई दिक्कत। अच्छा देखो एक और है, देखो माइनस वन करना पड़ेगा, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर टू है, ऐसे टू रख रहा है तो जीरो बाई जीरो आ जा रहा है। ठीक है तो हम लोग बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, है? हाँ बनाओ, हाँ कट जाएगा, हाँ एल एच एच से बनाना पड़ेगा, टू प्लस एच कर दो चाहे टू माइनस एच बन जाएगा। ठीक है चलो, ए बच्चे लोग देखो दो क्वेश्चन हो गया, अरे हो गया ना एक्सपोनेंशियल लिमिट पर, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो और कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं थोड़ा इस पर, इसी पर पता चल जाएगा जगने का आदत है कि नहीं तुम लोगों। अभी पढ़ो ना, अभी चाय पिएगा, जो फॉर्मूला सुनाएगा उसी को, जो फॉर्मूला सुनाएगा उसी को चाय पिलाएंगे। ए हल्ला मत करो, सर फोड़ देंगे तुम लोग ना। ए छोड़ो, चलो इसका आंसर बताओ, बात मत करो ना लोल, देखो ए क्वेश्चन नंबर थ्री बताओ इसका आंसर। लिमिट x टेंस टू जीरो e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स, इसका वैल्यू बताओ, माइनस वन, एक्स का कोफिशियंट यहाँ कितना है माइनस वन, तो माइनस वन आंसर नहीं हो जाएगा क्या। चलो क्वेश्चन नंबर फोर देखो, क्वेश्चन नंबर फोर में है लिमिट x टेंस टू जीरो e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, देखो e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू निकालना है बताओ, इसका आंसर निकालना, e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स वन, डू मरो। आई देखो इसको कैसे बनाएंगे, देखो ए लिमिट x टेंस टू जीरो e टू दी पावर एक्स है ना, e टू दी पावर एक्स माइनस वन, ठीक है कर दो ऐसे, रुक ना हम बता रहे हैं, देखो हमें माइनस
जैसे वन जोड़ दो वन घटा दो, नहीं समझ में, अरे छोड़ हटाओ, ऐसे बताते हैं ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स है, इसको लिख सकते हो वन बाई ई टू दी पावर एक्स, लिख सकते हो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होगा ना जी, इसको लिखेंगे हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसको ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स कितना हो जाएगा ई टू दी पावर टू एक्स, और ई का पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स क्या होता है ई का पावर एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाता है, अब माइनस वन बाई एलसीएम कितना ई टू दी पावर एक्स नीचे आ जाएगा, नीचे ऑलरेडी एक्स है ना जी। तो देखो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें ना इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा सॉल्व। देखो ए यहाँ पर नीचे जीरो आ रहा है, देखो ध्यान से ऐसे एल हॉस्पिटल रूल से बना सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग बना सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना, चलो बताते हैं। देखो भाई ऐसे भी बना लो ना, उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल से बना देते हैं। ए देखो तो इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन बाई ई टू दी पावर एक्स, एक बार लिख दो इन टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर टू एक्स माइनस वन अब बाई एक्स, यहाँ टू एक्स है तो नीचे टू एक्स होना चाहिए, तो टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई, तो इसका वैल्यू है इसमें पुट कर दो जीरो ई टू दी पावर जीरो इन टू इसका वैल्यू कितना वन इन टू कितना है टू वन बाई ई टू दी पावर जीरो वन, तो वन बाई वन वन इन टू टू एन टू एन आ गया आंसर। अब देखो एल हॉस्पिटल रूल से बनाओगे अगर अप्लाइंग एल एच रूल, तो हम डायरेक्ट यहां बनाते हैं। देखो ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स, आई का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई एक्स का डिफरेंशिएशन वन जीरो पुट कर दो ई टू दी पावर जीरो वन ई टू दी पावर जीरो वन, तो वन प्लस वन टू नहीं हो जाएगा क्या, तो तुम ऊपर डिफरेंशिएट करो नीचे डिफरेंशिएट करो जीरो बाई जीरो फॉर्म खत्म हो जाएगा, अरे बोलो डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो वैसे बना सकते हैं ऐसे ही बना सकते हो। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कब हो गया, तीन को बताते हैं चार को, पांचवा नंबर एक्सपोनेंशियल पर बताओ। देखो एक क्वेश्चन है इसमें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स और प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस टू, देखो ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस टू अब बाई कितना है एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है इसका वैल्यू कितना होगा। पोज दे रहे हैं आप, देखो ई है चलो बच्चा देखो तो इसको सॉल्व करो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर, देखो ए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखो सॉल्व किया जाएगा और तो देखो इसको कैसे देखो एक्चुअली हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, देखो एल एच रूल अप्लाई कर सकते हैं नो डाउट ठीक है, लेकिन अगर बनाएंगे भाई प्रोसेस तो देखो इसको लिखेंगे e टू दी पावर x, बोलो सब यहाँ e टू दी पावर माइनस एक्स है ना, e टू दी पावर माइनस एक्स को क्या लिखे
प्लस वन बाई ई टू दी पावर एक्स, माइनस टू अब भाई नीचे कितना एक्स स्क्वायर होगा ना। तो यहां से लिखेंगे हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है। बच्चा लोग देखो एलसीएम ले लो, अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा बताओ, ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर ई टू दी पावर टू एक्स प्लस वन और माइनस टू ई टू दी पावर एक्स, और एलसीएम वन नीचे हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स एन टू एक्स स्क्वायर, नहीं ले सकते एलसीएम, ले सकते हैं ना, अरे बोलो ई टू दी पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स ई टू दी पावर टू एक्स प्लस वन और माइनस टू ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स जो एलसीएम होगा वो नीचे चला आएगा, तो हो गया इतना। अच्छा देखो अब यहां पर लिख सकते हैं इसको लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अच्छा इसको बताओ तो इसको लिख सकते हैं हम लोग e टू दी पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, टू इन टू एक्स हो जाएगा, आप प्लस वन का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, वन का स्क्वायर वन हो जाता है, अब माइनस टू हुआ ए के जगह पर e टू दी पावर x, अब b के जगह पर वन, ताकि उतना ही ना रह जाएगा, अब भाई नीचे कितना हो जाएगा e टू दी पावर x इन टू एक्स स्क्वायर, नहीं हो जाएगा क्या, आखिर इसको सॉल्व करोगे उतना ही आ जाएगा e टू दी पावर टू एक्स को e का पावर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिए हैं बस। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, भाई फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, e टू दी पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, अरे होगा कि नहीं, e टू दी पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, अब देखो नीचे कितना हो जाएगा e टू दी पावर एक्स इन टू एक्स स्क्वायर, तो देखो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन बाई टू दी पावर एक्स इन टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब दोनों पर स्क्वायर है e का पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर कर दो इसको, होगा कि नहीं होगा बताओ, कोई दिक्कत होगा ना जी, तो इसका वैल्यू यहां देखो वन बाई ई टू दी पावर जीरो वन इन टू इसका वैल्यू कितना वन, अरे इस e टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इसका वैल्यू तो वन है ना होता, तो वन का स्क्वायर तो वन है ना हो जाएगा, तो वन ही आ गया इसका आंसर, इसका आंसर कितना रहा जी वन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या लिए वन। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, ध्यान से देखो एल एच रूल से बनाते हैं, देखो एल एच रूल से अगर बनाएंगे तो ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे नीचे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म में है, यहाँ जीरो पुट करो तो ई टू दी पावर जीरो वन, ई टू दी पावर जीरो वन, तो एक एक दो दो माइनस दो जीरो, नीचे जीरो का स्क्वायर जीरो होगा कि नहीं, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में रहेगा तभी भी हम लोग मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो चलो हम एल हॉस्पिटल रूल से अगर बनाए इसको तो देखना क्वेश्चन क्या है, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस टू अब बाई एक्स स्क्वायर, तो देखो अप्लाइंग एल एच रूल बिकॉज ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में है, एक्स के यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ऊपर भी जीरो हो जाएगा नीचे भी जीरो हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, आ ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर लो, ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो चलो भाई चलो ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एक्स होता है, आई ई का पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर माइनस एक्स का माइनस वन होता है ना जी, दो का करो e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स e टू दी पावर माइनस एक्स का e टू दी पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का माइनस वन, इसी की वजह से प्लस और माइनस माइनस, और माइनस टू कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, एल एच रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो देखो ए यहां लिख दो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो यहाँ ई टू दी पावर एक्स, तो फिर देखो अब माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू एक्स, फिर से डिफ्रेंशिएट करो क्योंकि अभी भी जीरो बाई जीरो फॉर्म में है, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो यहां लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एक्स अब माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का ई टू दी पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन टू, अब जीरो पुट कर दो, अब एक्स के यहाँ पर जीरो पुट कर दो, एक्स के यहाँ पर जीरो पुट कर दो, तो ई टू दी पावर जीरो वन ई टू दी पावर जीरो वन बाई टू, तो टू बाई टू आ गया, तो टू बाई टू का वैल्यू कितना वन, यानी ऐसे एल हॉस्पिटल रूल से भी हम लोग वैल्यू वन ही आया, कोई दिक्कत। चलो अब देखो एक्सपोनेंशियल लिमिट का दूसरा फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल लिमिट का दूसरा फॉर्मूला,
एक्सपोनेंशियल लिमिट का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है देख लो, लिमिट x टेंस टू जीरो a का पावर x माइनस वन बाई एक्स, इसका वैल्यू होता है log a टू द बेस e, इसका वैल्यू कितना होता है जी log a टू द बेस e, लिमिट x टेंस टू जीरो a टू द पावर x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है log a टू द बेस e होता है। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व ए का पावर एक्स का भी सीरीज होता है या डायरेक्ट तुम एल हॉस्पिटल रूल से बना लो इसको, एल हॉस्पिटल रूल से अगर सॉल्व करोगे इसको तो देखो एल एच एस अगर बनाओगे एल हॉस्पिटल रूल से तो एल एच एस कितना लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए का पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, क्या जीरो बाई जीरो फॉर्म में है तो जीरो पुट करोगे तो ए का पावर जीरो वन माइनस वन बाई जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में है कि नहीं, तो जब जीरो बाई जीरो फॉर्म में है तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, आप कब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक जीरो बाई जीरो फॉर्म खत्म नहीं हो जाए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए का पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई होगा, अब वन कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो एक्स का डिफरेंशिएशन वन होगा ना जी, हम खोलो बंद करना यार जल्दी उसको हम लोग, इससे भी ज्यादा होता है का बार बार खोलिएगा लोग तो क्या होगा आधा से, अब लोग नहीं चलता तो हालत खराब हो गया रहता, अभी आराम है ये बात ध्यान में रखिए। बात मत करो मतलब वाला देखो, तो यहां पर अब ए का पावर एक्स के एक्स के यहां पर जीरो पुट कर लो, तो ए का पावर जीरो लॉग ए टू द बेस ई, आई तो जीरो है ई वन है तो वन रह गया, ए का पावर जीरो वन तो क्या बच गया लॉग ए टू द बेस ई इक्वल टू आर एच एस, आ तो गया नहीं आ गया, ये प्रूव हो गया कोई दिक्कत। चलो अब इस पर क्वेश्चन किया जाए ए का पावर वाला, ठीक है, जैसे